आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा रजिस्टर व लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी द्वारा ज्ञानस्थल मंदिर में 285वां विधवा पेंशन एवं राशन वितरण समारोह किया गया। इसमें आए हुए गणमान्य लोगों का सम्मान किया गया और इसमें एक लड़की की शादी करवाई गई और जरूरत का सामान दिया गया। करा शिराली दा बोल सांचे दरबार की जय। अज 285वां राशन वितरण समारोह जेड़ा कि संडे नू हमेशा हुंदा, लेकिन प्रशासन दी नियमों अनुसार ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। आज सिर्फ राशन वितरण का जोड़ा कार्यक्रम है आज शुरू हो रहा है ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण च, जिस विच ये 285वां महीना लगातार हो गया है, जिस विच कोई धुप छां कोई आंधी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, कोई मतलब किसी चीज़ की परवाह किए बिना आज लगातार 285 महीनों तो ये यज्ञ जोड़ा चल रहा है। देखो किस तरीके नाल एक एक परिवार जो दूरों इन लेडीज़ आई हुई हैं, जरूरतमंद परिवार है, वो सारे राशन लेके जा रहे हैं। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए असी सारे तुहानू यही बेनती करते हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करो, तो सरकार की दी गाइडलाइनस का पालन करो, तो नाल ही तुसी ज्ञान स्थल मंदिर च निरंतर सहयोग कर रहे हो, वो सहयोग निरंतर जारी रखो। सानू तुहाडे सहयोग की इस टाइम बहुत लोड़ है, तो तुसी वध तो वध साडे नाल सहयोग करो। तुहाडी टीम सारी टीम तुहाडा बहुत ही धन्यवाद करती। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा का 285वां राशन वितरण समारोह जिहड़ा कि कल होना सी, कोरोना करके और सरकार के आदेशों करके अभी सानू वो रद्द करना पिया और उस जगह पर अज सिर्फ असी जिहड़ियां मंदिर साहब तो बीबियां राशन लैंदियां हन उन्होंने राशन दे रहे हैं, और असी कोई प्रोग्राम जिहड़ा है असी कोई प्रोग्राम नहीं रखिया। इस दे नाल नाल ही एक लड़की जिसकी एक शादी रखी हुई सी, असी वो लड़की की शादी कर रहे हैं, और शादी के नाल नाल ये बीबियां जिहड़ियां मंदिर साहब तो राशन लैंदियां हन, इन्हां दे बच्चे आ उन्होंने पाठ्य समग्री असं वंट रहे हैं। ये सारा काम असी शासन से प्रशासन के नियमों अनुसार कर रहे हैं, कोई कट ना हो, किसी को कोई बीमारी ना लगे, इस करके असी तकरीबन रोज़ फोन करके 50-60 लेडीज़ बुला के असी राशन देंगे, जिहड़ा कर एक हफ्ता तक यही राशन चलेगा। इस नाल ही मैं लुधियाना निवासी नूं अपील करता हाँ कि मंदिर सभा की वध तो वध सहायता करो, जिन्नी हो सके तिल फुल दो तुसी कट सकते हो, जो तुसी चार रोटियां खाते हो तो अद्धी घटा लो, वो इस मंदिर सभा में भेजो ताकि ये जड़े बच्चे हैगे इन्हों का पेट भर सके, और ये इन्हे मावं जिन्हों के उपर कोई कमाण वाला है नहीं, उन्होंने सिर के उपर कोई नहीं है, उन्होंने सिर पर ही ये बच्चे सारे पलते आ। सो मैं लुधियाना वास्ते उन्हें अपील करता हाँ, ये बच्चों की ये लेडीज की जिन्हों का कोई कमाण वाला नहीं, कोई सिर का सहारा नहीं, इन्हों की मदद करो। तो नाल ही मैं परमात्मा को यह प्रार्थना करता, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, इस करोना महामारी को जिहड़ी कि हिंदुस्तान ने जकड़ के रखा है, ये तू निजात दिलाओ, इसनू शांति दो, और लुधियाना निवासियों को यह भी अपील अपने अपने गुरु महाराज जिसनों भी तुम मनते जे उसकी रोज़ शाम को प्रार्थना करो इस करोना महामारी को बचाने वास्ते। जय हिंद, जय भारत। मैं सरला चोपड़ा लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन ज्ञानसल मंदिर तो अज ज्ञानसल मंदिर का 285वां राशन वितरण समारोह श्री ज्ञानसल मंदिर रजिस्टर सभा एवं लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसायटी वालों ज्ञानसल मंदिर के प्रांगण के शुरू किया गया है। यदि अज की पूजा राकेश बजाज जी के परिवार वालों अशोक गोयल जी के परिवार वालों की गई, तो अज जरूरतमंद भैनों बहुत ही डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्रशासन के नियमानुसार आदेशों अनुसार अज जो राशन है वह वितरित किया जा रहा है। उन्होंने नाल जिहड़े बच्चे पिछले महीने वार्षिक पाठ्य समगरी तो वंचित रह गए सी, उन्होंने भी अज पाठ्य समगरी भेंट की जा रही है। मैं सारे दानी सज्जनों को अपील करांगी कि दानी सज्जन ज्ञानसल मंदिर दे नाल जुड़ो, अपनी पुण्य कमाई का हिस्सा जिहड़ा कि बहुत जरूरी है उहदे नाल आपां दे के सहयोग करिए। ये जिहड़ी संस्था है ये 24 सालों तो चल रही है, उहदे दा यज्ञ चलता रहे, जिहड़ा कि श्री पद्म श्री विजय चोपड़ा जी ने और ज्ञानसल मंदिर के संस्थापक श्री जगदीश बजाज जी ने चालू किया सी, और उन्होंने कदमों से चलते हुए असी इस राशन वितरण यज्ञ के सफल होंदे रहिए। जय हिंद, जय भारत। राधे कृष्णा। श्री ज्ञान समंदर सभा वालों पिछले 25 सालों चल रहे प्रोग्राम कड़ी दे विच आज 285वां राशन वितरण समारोह जो कि मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, ये प्रोग्राम लॉकडाउन करके 10-11-12 मई में होने जा रहा है, जिस दे विच सैकड़ों जरूरत औरतों को राशन वंडिया जा रहा है, तो स्कूलों के बैग भी वंडे जा रहे हैं। ये सारा प्रोग्राम विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद नाल
ਅਤੇ ਪਦਮ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਗਿਆਨ ਸਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ 285ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰ ਹੋਬੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।